ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने वाली हूँ, जो समर में बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 150 ग्राम्स दूध है, जो बहुत ही ठंडा है। फ्रीजर में इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिए। 6-7 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किए हैं। 2 बड़ा चम्मच वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल किए हैं। और स्ट्रॉबेरी सिरप है, और 7 पीस इसमें स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी इसको अच्छे से धो लेंगे। हम वनीला आइसक्रीम के जगह स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें स्ट्रॉबेरी के छोटे टुकड़े काटकर हम डाल देंगे। इसमें दूध डाल देंगे। दूध हमें इतना ठंडा चाहिए कि उसमें थोड़ा सा बर्फ जैसा जम जाए। और इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार डालेंगे। और इसमें 2 चम्मच हम वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं। और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। और यह ब्लेंड हो गया है, अब हम इसे सर्व करते हैं। एक ग्लास लेंगे और इसमें सिरप को डालकर थोड़े से फैला देंगे। इससे बहुत ही सुंदर दिखेगा ड्रिंक। और इसमें हम स्ट्रॉबेरी शेक को डाल देंगे और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। इसके टॉपिंग पे हम थोड़ा सा सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप को फैला देंगे, जो ये होममेड स्ट्रॉबेरी सिरप है। इसके जगह हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का और या वनीला आइसक्रीम भी हम डाल सकते हैं। और ये मिल्कशेक तैयार हो गया। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक तैयार है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए, और ऐसे आने वाली रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।